तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बॉलीवुड जगत पर। दोस्तों, बॉक्स ऑफिस पर जिस तरह से कलेक्शन कर रही है सन्नी पाजी की फिल्म गदर 2, जिसको देखकर पूरा बॉलीवुड नहीं पूरा साउथ इंडियन भी ढोल उठा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, गदर 2 की जबरदस्त कमाई को देखते हुए साउथ इंडियन के बड़े बड़े सुपर स्टार्स ने अपना ओपिनियन पेश किया है। जी हां, गदर 2 के बारे में उन्होंने गदर 2 की तारीफ करते हुए और सन्नी पाजी की एक्टिंग की वाह वाही करते हुए बहुत सारे कमेंट भी किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आपको आगे वीडियो में बताएंगे आखिर किस स्टार ने क्या क्या कहा गदर 2 और सन्नी पाजी के बारे में, आपको सब कुछ बताएंगे दोस्तों इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप सन्नी पाजी के जबरदस्त वाले फैन हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। 2023 के सबसे बड़ी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस में तहलका मचा के रखा है। जी हां, आपको बता दें कि रिलीज के 18वें दिन में जिस तरह से कमाई कर रही है गदर 2 की फिल्म, उसको देखते हुए पूरे बॉलीवुड में तहलका मच गया है। जी हां, क्या शाहरुख खान, क्या सलमान खान, क्या सैफ अली खान, सभी ने इस फिल्म को देखकर हैरान हो गए कि आखिर कोई फिल्म इतनी ज्यादा कमाई कैसे कर सकती है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि 2023 की सबसे बड़ी फिल्म साबित रही थी पठान। जी हां, शाहरुख खान की फिल्म पठान ने 500 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार किया था और 2023 के ही नहीं पिछले 4 से 5 सालों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड 2023 में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड अभी तक पठान के नाम है। लेकिन दोस्तों, गदर 2 बहुत ही जल्द इस आंकड़े को भी पार कर देगी। जी हां, जिस तरह से बॉक्स ऑफिस में कलेक्शन हो रहा है गदर 2 का, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि आने वाले अगले हफ्ते में ये फिल्म 500 करोड़ से ज्यादा का कमाई कर डालेगी। जी दोस्तों, वहीं पर दोस्तों आपको बता देंगे साउथ इंडियन के बड़े बड़े सुपर स्टार्स का इसके ऊपर रिएक्शन आया है। जी हां, सबसे पहले रिएक्शन आया है अल्लू अर्जुन का। अल्लू अर्जुन ने कहा कि बॉलीवुड में सन्नी पाजी की जो इज्जत है मेरी नजरों में वो काफी ज्यादा है। जी हां, आपको बता दें कि अल्लू अर्जुन ने कहा, सन्नी पाजी की फिल्म गदर 2 को देखकर बहुत ही मजा आया और मेरे अंदर इस तरह से देशभक्ति ऊपर बढ़ गया कि मैं खुद को हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने से रोक नहीं पाया। जी हां, उन्होंने काफी ज्यादा सन्नी पाजी और गदर 2 की सराहना ही करते नजर आए हैं। वहीं पर दूसरे साउथ के दूसरे सबसे बड़े सुपर स्टार कहे जाने वाले बाहुबली तारीफ करते हुए सन्नी पाजी की फिल्म गदर 2 के अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गदर 2 जैसे रिलीज हुई मैंने पहले दिन इस फिल्म को देखा और जिस तरह से इसमें एक्शन सीन्स हैं, जिस तरह के इसमें इमोशन है, उसको देखकर मैं काफी ज्यादा प्रभावित हो गया हूं। जी हां, और मेरी बेस्ट विशेष है बॉलीवुड इतिहास में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हो गदर 2। दोस्तों, इसके बाद आते हैं सबसे बड़े साउथ के सुपर स्टार रामचरण जी। जी हां, रामचरण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गदर 2 और सन्नी पाजी की मेहनत को देखकर मैं उनको सलाम करता हूं। काफी दिन के बाद गदर 2 रिलीज हुई सिनेमाघरों में और सिनेमाघरों में रौनक आ गई है। जी हां, इसके लिए मैं सन्नी पाजी को बहुत ही बड़ा थैंक्स अदा करता हूं। उन्होंने कहा कि कोविड के बाद से जिस तरह से बॉलीवुड में गिरावट आई थी, लेकिन सन्नी पाजी की फिल्म ने उन सभी को अपनी ओर खींच लिया है और जनता ने जिस तरह से प्यार दिया है गदर 2 को, उसके लिए मैं सलाम करता हूँ। बता दें कि साउथ के सुपर स्टार माने जाने रजनीकांत सर ने भी गदर 2 पे अपना रिएक्शन दिया है। जी हां, हालांकि आपको बता दें कि इसी के कंपटीशन में उनकी फिल्म जेलर भी रिलीज हुई थी, लेकिन दोस्तों इतने नरम दिल होने के बाद भी उन्होंने कहा कि बॉलीवुड और मेरा नाता बहुत ही शानदार है। जी हां, भले ही मेरी फिल्म उनके साथ रिलीज हुई, लेकिन मैं बेस्ट विशेष करता हूं गदर 2 फिल्म को। गदर 2 बेहद ही शानदार फिल्म है। जी हां, इसमें देश प्रेम को दर्शाया गया है और जिस तरह से सन्नी पाजी ने एक्टिंग की है उनकी मैं सराहना करता हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सन्नी भाई इसी तरह से आगे बढ़ते रहे और सिनेमा जगत को बहुत आगे तक ले जाए। तो दोस्तों, ये था गदर 2 के बारे में साउथ के बड़े बड़े स्टारों का ओपिनियन। लेकिन दोस्तों, आपका ओपिनियन क्या है गदर 2 फिल्म के बारे में और सन्नी पाजी की एक्टिंग के बारे में, आप कैसा सोचते हैं, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और दोस्तों, ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।